हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सिंधी चैनल में। मैं हूं साजन चंदेल और आज हम बात करेंगे सैमसंग एक्टिव 2 की, जो कि एक सैमसंग की स्मार्ट वॉच है। और ये सैमसंग ने एक राउंड शेप में स्मार्ट वॉच जो लॉन्च किया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इस तरह से सैमसंग की स्मार्ट वॉच जो है एक्टिव 2, इसकी पैकिंग आती है। ये बैक साइड है बॉक्स का, यहाँ पे सीरियल नंबर, सैमसंग लोगो और ये रहा हमारा सैमसंग बॉक्स। चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। ग्रेट, ये हमारी सैमसंग वॉच और यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस। ये वारंटी कार्ड इसे रखते हैं साइड में और ये है क्विक गाइड। इस गाइड के अंदर बताया गया है कि हमें इस सैमसंग वॉच को हमारे सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल या अदर किसी डिवाइस से किस तरह से सिंक्रोनाइज और कनेक्ट करना है। चलिए तो देखते हैं हमारा मेन कंटेंट। ये रही हमारी वॉच और ये कुछ है। ओह, ये हमारा मैग्नेटिक चार्जर। इस तरह से ये वायरलेस चार्जर है, वायरलेस चार्जर पैड है। ओके, ये हमारा चार्जर यहाँ रखते हैं। बात करते हैं हम ये वॉच की, तो जो रबर की क्वालिटी है बहुत ही बेहतर है दूसरी वॉच की अपेक्षा। ये वायरलेस चार्जिंग डक सिस्टम और ये हार्ट बीट सेंसर, ऑक्सी सेंसर नहीं है इसमें। यहाँ पे देख रहे हैं आप पिन, ताकि हम अपने वॉच की स्ट्रिप्स चेंज कर सकें। यहाँ पे दो बटन दिए हुए हैं हमें ऑन ऑफ और मेन्यू के लिए। ये माइक और एक माइक यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्पीकर। चलिए इसे चालू करके देखते हैं। तरह से हमारी वॉच चालू हो गई है। मैंने पहले से इसे कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ। इसे कॉन्फ़िगर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है इसका। इसके लिए हमें सैमसंग ने एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जो सैमसंग वेरिएबल के नाम से है, गैलेक्सी वेरिएबल। उसे हमें अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होता है, जैसे मैं अभी आपको डाउनलोड करके बताऊँगा। ये मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो गई है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसके पहले भी मैंने स्मार्ट वॉच यूज़ किया हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे घर के वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि मेरे फ़ोन से डिसकनेक्टेड है ये। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि नाइट मोड का है, ब्राइटनेस का है, साइलेंट और वाइब्रेट पे करने का है, डू नॉट डिस्टर्ब, और ये एक नाइट स्लिप मोड का है ये ऑप्शन। इस पर क्लिक करूँगा मेरी वॉच स्लिप मोड पर चल जाएगी, जिससे जो अभी नॉर्मली मेरी वॉच एक दिन का बैटरी बैकअप देगी, परंतु स्लिप मोड में डालने के बाद ये काफ़ी रात में बैटरी बैकअप दे सकती है। उसके बाद पावर सेवर का भी ऑप्शन है, पावर सेवर पर डालने के बाद ये 5 दिन का बैटरी बैकअप देगी मुझे। यहीं से सेटिंग पे जा सकता हूँ मैं इसकी, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। टॉर्च भी दी हुई है इसमें, वाह, देखते हैं टॉर्च। ओह ग्रेट, अंधेरे में काफ़ी लाइट करेगी, करती है ये। यहाँ से इसे बैक करते हैं और ये वाईफाई तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट है ही। बैटरी सेवर का मोड यहीं पे दिया हुआ है ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए। जीपीएस सिस्टम भी दिया हुआ है सैमसंग ने इस वॉच में, इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम है कि इनकेस आपकी वॉच आपके फ़ोन से डिसकनेक्ट होगी तो आप आपकी वॉच को जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसके वाइब्रेशन पर रखा हूँ और यहाँ पे प्ले पुश का ऑप्शन है,
बैटरी ऑप्शन है, और देखते हैं यहाँ पे ये इस तरह से मेन्यू ओपन होगा, इसमें इस तरह से ये मेन्यू है इसका। इसमें सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं जिस फ़ोन के थ्रू हम इसे कनेक्ट करेंगे, उस फ़ोन के थ्रू डायरेक्ट सॉफ्टवेयर वॉच में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे स्टोर दिया हुआ है सैमसंग स्टोर, इसके थ्रू भी हम अपनी वॉच में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका हार्ट रेट सेंसर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे चालू किया और ये यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरी रिस्ट पे बंधी नहीं हुई है इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है कि आप रिस्ट पे बांधे इसे, ये तो सेंसर चालू होके बंद हो जा रहा है। ओके, फिलहाल हम इसे बैक करते हैं। यहाँ पे लाइव अपडेट देगा मुझे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के वेदर की। यहाँ पे वाटर के लिए कि आप इतने एक गिलास पानी रोज़ आपको पीना 8 ग्लास, तो उसके लिए आपको अलर्ट देगा। म्यूज़िक सिस्टम के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे सैमसंग टैग एक डिवाइस है जो इस वॉच के साथ आया हुआ है, जो आपकी की या आपके पैड या आपके बैग किसी में भी आप रख सकते हैं, और ये वॉच या आपका सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस उस टैग से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होके उसकी लोकेशन आपको शेयर करता रहेगा, और उस टैग के थ्रू आप आपके डिवाइसेस को भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह से ये टैग दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे सारे एक्टिविटी मोड्स हैं, यहाँ पे आपके फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस शो होंगे आपको। चलिए मैं इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको मेरे फ़ोन से। तो इस तरह से ये मैंने ऑलरेडी वेरेबल ऐप को इंस्टॉल करके ऑन करके रखा हुआ हूँ, गेट स्टार्ट और गैलेक्सी एक्टिव 2 यहाँ पे दिया हुआ, एक्टिव 2 इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओके। अब हम इसकी सेटिंग में जाके कनेक्ट टू न्यू फोन पे जाते हैं और कंटिन्यू। तो चलिए अब हम इसे पेयर करते हैं, लेट्स गो। सच नहीं है बट गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्लिक किया, कनेक्टिंग। टैप टू कनेक्ट, ओके। नेट बंद है मेरे फोन का, नेट चालू करते ही मेरा ये ऐप सिंक्रोनाइज होने लगा है मेरे वॉच के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये हुआ सिंक्रोनाइजेशन, एग्री, अलाउ ऑल टाइम। इसे अलाउ करने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये जेन्युइन ऐप है सैमसंग की, और ये मैं सब कुछ इसे देता हूँ, बाकी मैं बाद में कर लूंगा। यस अलाउ, यस। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा डायल चालू हो गया है इसका, और यहाँ पे ऊपर कोई वॉच का साइन नहीं है, मतलब ये फोन से कनेक्टेड है। यहाँ वॉच का साइन देता है, इट मींस कि ये हमारे फोन से डिसकनेक्ट हो गई है। अलाउ, ये देखिए ये मेरी ऐप चालू हो गई है। इसमें यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, नॉर्मल जो भी स्मार्ट वॉचेस रहती है उसमें लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, पर सैमसंग ने यहाँ हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए एक्सेसिबिलिटी से लगा के लगभग सभी ऑप्शन दिए हैं हमें सैमसंग ने यहाँ पे। और ये तो ठीक है, ये तो ऑप्शंस की बात थी, ये तो यूज़ करते करते समझ में आते हैं। हम मेन बात पे आते हैं, फेसेस पे। तो सैमसंग ने हमें इतने सारे फेसेस दिए, 100 से भी ज़्यादा फेसेस है, और फेस हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फेस मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, जैसे अभी ये मेरा फेवरेट है,
उसके बाद एक ये जो बाय डिफॉल्ट आता है सैमसंग फेस, इस वॉच के साथ यही फेस इनबिल्ट आता है। उसके बाद हार्ट शेप, उसके बाद ये देखिए एनालॉग वॉच, इसमें बाकायदा ये शाइन करता है डायल, जैसे नॉर्मल एनालॉग वॉच में वो शाइन करता है ना, ये देखिए किस तरह से शाइन कर रहा है, जैसे बिल्कुल रियल वॉच होगी। ये देखिए ये लाइट कैसे शाइन कर रहा है डायल के अंदर। ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया इस वॉच का, बाकी भी डाउनलोड नहीं हुए, जो जो डाउनलोड है मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखिए और सिंक्रोनाइजेशन इतना फास्ट है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ डायल पे फेस तुरंत सिंक्रोनाइज हो जाता है। देखिए ये क्लिक किया मैंने और ये यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो गया। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है एनिमेटेड। ये इस तरह से बहुत सारे फेसेस मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं सेंसर्स की, तो सेंसर में इसमें पेडोमीटर से लगा के जो कॉमन सेंसर्स जो होते हैं वो तो दिए ही दिए हैं, हार्ट रेट सेंसर भी दिया हुआ है। और मुझे प्राइस वाइज काफ़ी सही लगी है कि एक तो आपको सैमसंग का ब्रांडिंग मिल जाती है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इसका प्राइस भी एवरेज है 20 से 25 के अंदर, कोई गलत नहीं है, फेयर है मेरे हिसाब से तो लेना बनता है। और प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये सैमसंग की है इसलिए प्रोटेक्शन के लिए हमें इस टाइप के कुछ कवर्स भी मिल जाते हैं एक्टिव 2 के, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हूँ, बहुत ईजीली और बहुत फिट आ जाता है इसमें। ये देखिए प्रोटेक्टिव कवर, बिल्कुल फील ही नहीं होता कि इसमें अलग से कोई कवर लगा हुआ है। जैसे कि मैं आपको कोई दूसरा फेस दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा फेवरेट, ये फील ही नहीं होता और ऊपर से पूरी वॉच अपनी प्रोटेक्टेड है। जैसे सैमसंग में एक ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि हम अपनी वॉच के ही थ्रू कॉल उठा भी सकते हैं और कॉल काट भी सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ, मैं इस दूसरे फ़ोन से अपने फ़ोन पे कॉल करूँगा जो कॉल यहाँ आएगा। चलिए ठीक है, ये मेरी मम्मी का फ़ोन है, मैंने इससे कॉल किया, यहाँ कॉल आया और यहाँ बैकग्राउंड में जो फ़ोटो मैंने अपने फ़ोन में सेट किया हुआ है वो फ़ोटो यहाँ भी शो हो रही है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं जो फ़ोटो मैंने यहाँ सेट किया हुआ है वो यहाँ भी शो होने लगी, मैं यहीं से कॉल उठा भी सकता हूँ। देखिए मैं कॉल उठा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैंने कॉल उठाया, हेलो हेलो, देख सकते हैं आप इससे आवाज़ आएगी, हेलो हेलो। अब मैं इस आवाज़ के थ्रू अगर बोलूँगा तो यहाँ पे भी आवाज़ जाएगी, हेलो। ये देखिए तो इस तरह से मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ से कॉल उठा भी सकता हूँ और कॉल काटने के बाद मैं वॉच के ही थ्रू दोबारा से उसी नंबर पे कॉल कर सकता हूँ। देखिए ये इस वॉच के थ्रू यहाँ पे कॉल गया, तो ये फीचर मुझे सैमसंग का काफ़ी अच्छा लगा, जो नॉर्मली जो हमारी बजट वॉचेस जो आ रही हैं उसके अंदर ये फीचर नहीं दिए हुए हैं, तो इस तरह से ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा सैमसंग का। सैमसंग ने इसे IPX68 वाटरप्रूफिंग दी हुई है ताकि आप पानी में से ले जा सकते हैं, पानी में ले जाने से इसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं, ये लॉक अनलॉक के यूज़ आती है, इनकेस कोई ऐप ओपन है आपकी तो ये ऊपर वाली बटन से आप बैक आ सकते हैं, और जैसे आप मैन डायल पे हैं नीचे वाली बटन से आप मेन्यू डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ये सैमसंग की वॉच थी एक्टिव 2। तो ये वीडियो मेरे तरफ से सैमसंग एक्टिव 2 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।